हाय एवरीवन, फिर से एक नीम टेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और अभी तक आपने पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं किए हैं तो आज वीडियो में आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ओटीपी के माध्यम से आप अपना पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है। अगर दोस्तों आप अपना पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए आपको नजदीकी कोई भी सीएससी सेंटर या फिर ऑनलाइन दुकान आपको जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आप घर बैठे ही मोबाइल फोन से ओटीपी के माध्यम से ही आप अपने पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जब तक दोस्तों अपना पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब दोस्तों जो भी यहां पे पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक मास जो 6000 रुपए मिलता है वो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं कि इस प्रकार से आपको मोबाइल फोन से ही ओटीपी से ही आपको अपने पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी कंप्लीट करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं, सीख लेते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर का ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टैप करना है पीएम किसान, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद नीचे आइए, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट के पास आता होगा पीएम किसान का, तो आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे सो पहला वेबसाइट पर क्लिक करते हैं फाइनली यहाँ पे पीएम किसान योजना का ऑफिशियल पेज यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ईकेवाईसी अपडेट करना है, उसके लिए ऊपर में ही देखिए आपके पास एक सेक्शन बना हुआ आता होगा ईकेवाईसी का। अदरवाइज अगर आप नीचे आइएगा, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन बना हुआ आता होगा फार्मर कॉर्नर का, उसी के नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आता है ईकेवाईसी। तो दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे सो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फाइनली देख सकते ऊपर में लिखा हुआ आता होगा ओटीपी बेस्ड ईकेवाईसी। तो फाइनली सो ओटीपी के माध्यम से ही आप अपने पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिलअप करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन बना हुआ आता होगा, तो जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा सर्च, तो आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं फाइनली यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास एक नया ऑप्शन खुलकर आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ आता होगा आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। अब जो भी दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आता होगा गेट मोबाइल ओटीपी, तो आपको गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे गेट मोबाइल ओटीपी क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जनरली एक ओटीपी भेज दिया गया है, तो जो भी ओटीपी आया है यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद फाइनली आपका ईकेवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पे डन हो चुका है। जैसे एक ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आता होगा ईकेवाईसी हैज बीन डन सक्सेसफुल, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको प्रोसेस बता दिया किस प्रकार से पीएम किसान योजना में ओटीपी के माध्यम से ही आप अपना केवाईसी किस प्रकार से अपडेट करेंगे, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, मैंने आपको जानकारी दे दिया। तो सेम दोस्तों इसी प्रकार से आप ओटीपी के माध्यम से ही आप अपना पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आप स्टेटस किस प्रकार से चेकआउट करना है, क्या फाइनली आपका यहाँ पे ईकेवाईसी सक्सेसफुल हुआ या नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाइक का जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से मैं होम स्क्रीन पे आ चुका। अब यहाँ से मैं प्रोसेस बताता हूँ, जो भी आपने ईकेवाईसी कंप्लीट किया है क्या फाइनली आपका अपडेट हुआ या नहीं, वो किस प्रकार से चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे दोबारा सबको फार्मर कॉर्नर वाला सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ आता है नो योर स्टेटस, तो आपको नो योर स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे सो नो योर स्टेटस पर क्लिक करते हैं फाइनली यहाँ से आप स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो फिलअप कीजिए, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो पता करना होगा। उसके लिए ऊपर में देखिए लिखा हुआ आता होगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। जैसे सो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो फाइनली यहाँ पे पता करने का जो तरीका होता है वो यहाँ पे खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर से भी पता कर सकते हैं या फिर आधार नंबर से भी पता कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद उसकी पर जो भी कैप्चा कोड नजर आता है सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद गेट मोबाइल डिटेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाता है, तो जो भी ओटीपी आता है यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आता होगा गेट डिटेल्स, तो आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे तो गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नजर आ जाता है। उसके बाद जो भी आपका नाम होता है वो भी यहाँ पर नजर आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास शो हुआ है उसे आपको कॉपी करना है या तो फिर नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बाइक पर क्लिक करना है।
जैसे सो बैक पर क्लिक करेंगे दोबारा सबको होम स्क्रीन पर रिडायरेक्ट कर देता है। उसके बाद दोबारा सबको नो योर स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे तो नो योर स्टेटस पर क्लिक करते हैं फाइनली यहाँ पर स्टेटस चेकआउट करने का जो पेज होता है खुलकर आ जाता है। अभी जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया था या फिर नोट किया वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चर कोड नजर आता है वो सेम कैप्चर कोड यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गेट डाटा पर क्लिक करते हैं उसके बाद कंप्लीट स्टेटस यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन बना आता होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे उसे इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास लिखा नजर आता होगा इक्वेस स्टेटस, और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन टिक, यहाँ पे यस नजर आता होगा। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेस स्टेटस में यहाँ पे ग्रीन टिक नजर आ रहा है, फाइनली यहाँ पे यस लिखा नजर आ रहा है, तो फाइनली सो आपका यहाँ पे इक्वेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से आपको ओटीपी के माध्यम से आप अपना पीएम किसान योजना में इक्वेस कंप्लीट करेंगे। तो आशा करता हूं जो भी इस वीडियो में जानकारी दी हूं सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होंगे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।